हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.4। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 10.3। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन द मेजर्स ऑफ टू ऑफ इट्स एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम इज गिवन बाय ASA क्राइटेरियन। ASA क्राइटेरियन होता क्या है? ASA क्राइटेरियन एक ऐसा क्राइटेरियन होता है जिसमें टू एंगल्स एंड द साइड इज देयर। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं टू एंगल्स है और एक साइड है। टू एंगल्स एंड द साइड, तो यही है हमारा ASA क्राइटेरियन। तो अभी हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 3। Construct triangle XYZ if it is given that XY is equal to 6 centimeters, angle ZXY is equal to 30 degree and angle XYZ is equal to 100 degree। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, जेड एक्स वाई। तो अभी इसमें हमें सेंटर पॉइंट विच इज़ द वर्टेक्स होगा एक्स, जेड एक्स वाई में एक्स होगा। तो अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये एक 6 सेंटीमीटर्स की लाइन मैंने ड्रॉ की यहाँ पे और इसको नेम कर दिया मैंने एक्स वाई, और ये है 6 सेंटीमीटर्स। ओके, अभी ये है 6 सेंटीमीटर्स। अभी जेड एक्स वाई, एंगल जेड एक्स वाई, तो एक्स यहाँ है, ये एक्स है, ये वाई है। तो वाई 100 डिग्री है एंड एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये हम एक प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इसको यूज़ भी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे मैंने मैच कर दिया लाइन और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 30 डिग्री। ये मेरा हो गया 30 डिग्री। को लेबल भी कर देते हैं 30 डिग्री और यहाँ पे इनका जॉइनिंग पॉइंट इज जेड। तो ये अभी हम वाई को जॉइन करने के बाद देखेंगे। ये वाई पे मैंने रखा और मैंने ये किया 100 डिग्री। ये है 100 डिग्री, मैंने इसको जॉइन कर दिया। Y एंड इसको, तो अभी आप सोच रहे होंगे ये तो ट्रायंगल है नहीं, बट ये इसी को हम, ये 30 डिग्री जहाँ पे हमने एंगल बनाया, ये जो लाइन है X एंड Z, इनको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्योंकि एंगल तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा करके मैंने ये इसका लाइन बड़ा कर दिया। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये होगा हमारा Z और दिस इज आर 100 डिग्री। तो हमारा हो गया सॉल्व। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दिए थे कैसे लिखते हैं। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए बी विच इज़ अ लाइन इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर्स। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। हम अभी फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये है हमारी सारी वैल्यूज़। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक 5.8 सेंटीमीटर्स की एक लाइन खींच देते हैं। 5.8
पॉइंट 8 सेंटीमीटर्स यहाँ से यहाँ, ओके 5.8 सेंटीमीटर है, ओके अभी इसको हम नेम भी कर देते हैं ए और बी। अभी क्या, अभी हम ए का एक डिग्री बना रहे हैं, 60 डिग्री इसको बना देते हैं। ए का एक एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने ये वाला देखा और ये 60 डिग्री मैंने मार्क कर दिया, और अभी मैं इन दोनों को जॉइन करने वाली हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को। ओके तो अभी 30 डिग्री चाहिए हमें बी के लिए, 30 डिग्री फॉर बी विच इज़ ओवर हियर। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हमें अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। सो ये यहाँ से यहाँ पे हो गया, वेरी सिंपल। ये कितना था, ए 60 डिग्री, बी कितना है 30 डिग्री, हमारा सॉल्व है क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके तो हम आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्राइंगल PQR, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR इफ़ PQ इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल PQR इज़ इक्वल टू 105 डिग्री, एंड एंगल QRP इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। हिंट भी दी हुई है इसमें, रिकॉल एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, तो ये मैंने नोट कर लिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो अभी 105 डिग्री क्या है, क्यू, क्यू आर पी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो इसका क्या है वर्टेक्स आर, आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। इन सिंपल हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी हम रफ में बना के देख लें। ये एक 5 सेंटीमीटर्स पी क्यू, 5 सेंटीमीटर्स, और क्योंकि मुझे पता है कि 105 एक 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए मैं ऐसा करूँगी और यहाँ पे 105 डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन हमें अभी नेक्स्ट आना चाहिए था कि पी इज़ इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे आर इज़ इक्वल टू, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हमको पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आर का दिया है एंड क्यू का दिया है। आर का तो फिर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अगर हमें आर का ही दिया है, हमें पी का ज़रूरी है पता होना कि पी का क्या है। तो अभी हम देखते हैं वही कैसे सॉल्व करें। पी प्लस क्यू प्लस आर इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ये प्लस क्यों किया है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है कि सारे के सारे एंगल्स को हम प्लस कर दें, ताकि हमारा ये निकल आए, पी निकल आए, इसलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का मेथड यूज़ कर रहे हैं। अभी पी प्लस 105 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। पी प्लस अभी 105 डिग्री प्लस 40 डिग्री का सम होता है हमेशा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी पी को इधर ही छोड़ देते हैं, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज़ आर 30 डिग्री। तो पी इज़ आर 30 डिग्री। अभी हम फटाफट ये कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, पी क्यू लाइन विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, सेंटीमीटर पी और क्यू। फिर हम क्या करेंगे, एक क्यू पे रखेंगे, ओके Q इज़ 105, तो ये Q
पे मैंने अपना प्रोटेक्टर रखा, स्पिनलाइन मैच की और 105 डिग्री मैं यहाँ से कंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ। 105 यहाँ पे होती है हमेशा 105 डिग्री, 110 के बीच में जो लाइन होती है बड़ी वाली उससे हम बोलते हैं 105 डिग्रीज। तो ये फटाफट मैच कर देते हैं 105 डिग्रीज। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये हमारी 30 डिग्री है तो ये बना लेते हैं हम अपनी 30 डिग्री ये। अभी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये लाइन को क्रॉस करनी है तभी मेरा दूसरा पॉइंट बनेगा, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही बड़ा कर लेती हूँ। ये हमारा हो गया आर और ये है 40 डिग्री, ये है मेरी 30 डिग्री की का क्यू और ये है आर विच इज 40 डिग्री। बस हमारा ट्रायंगल तैयार है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है एग्जामिन whether you can construct triangle DEF such that EF is equal to 7.2 centimeters, angle E is equal to 110 degree and angle F is equal to 80 degree. Justify your answer. Okay, ये भी बहुत मज़ेदार question है। ये है हमारी values और अभी हम बना के देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक 7.2 सेंटीमीटर्स की लाइन, 7.2 सेंटीमीटर्स की लाइन बना ली मैंने, 7.2 सेंटीमीटर्स ई और एंड एफ, ये ई एंड एफ की एक लाइन बन गई मेरी। ई है मेरा ये 110, दिस इज ई यहाँ पे मैंने जॉइन कर दिया 110 एंड ये एफ है कितना 80। तो ये आएगा मेरा यहाँ पे, तो ये एक ट्रायंगल नहीं बना। ये इस ये हमारा बना ही नहीं ट्रायंगल। तो ये क्यों नहीं बना, क्योंकि इनके मेजरमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो अभी हमें एक सैटिस्फाइड आंसर लिखना होगा, तो ये है हमारा आंसर। दिस इज़ माय फुल आंसर जो कि मैं एग्ज़ाम में भी लिख सकती हूँ। द ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल विद द अबव मेजरमेंट्स बिकॉज इट्स अगेंस्ट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हियर सम ऑफ एंगल ई एंड एंगल एफ इज एक्सीडिंग 180। दिस इज़ माई कंप्लीट आंसर। ओके, सो आज की हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, तो मिलते हैं 10.5 के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।